नमस्कार दोस्तों, जोहार आप सभी को। आप सबों का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि मैं आप सबों को इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया हूँ कि किस तरह से हम सभी इंग्लिश टाइपिंग के जो तीनों लेसन है उसको कैसे नोटपैड में टाइप करते हैं, और तीनों लेसन को मैं आपको एक एक लेसन करके टाइप करना बता दिया हूँ। आशा करता हूँ कि आप सबों को भी टाइप करने के लिए आ गया होगा। और आज हम सभी देखते हैं कि किस तरह से नोटपैड में हिंदी टाइपिंग के लेसन को कैसे हम सभी टाइप करेंगे। क्योंकि आपको पता है ना कि हिंदी टाइपिंग के तीन लेसन होते हैं, जिसमें पहला लेसन आपका है अंगस्वार ए कार क हर्षी ह स्पेस य स अकार र दीर्घ स्पेस। हिंदी टाइपिंग का सेकंड लेसन क्या है, हर्षु दुर्गु म त ज स्पेस च व प न ल स्पेस। और हिंदी टाइपिंग का हम लोग का थर्ड लेसन क्या है, र ग ब अ ई स्पेस और ध न ए उ द स्पेस। तो ये तीनों लेसन है, तीनों लेसन को आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और इसके साथ साथ आप लोग इसको कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि ये आपको क्या चीज करेगा ना, भविष्य में कभी कोई अगर पूछेगा ना बाबू, आप लोग आसानी से इसको बता सकते हैं। क्योंकि अगर बता नहीं पाइएगा तो बड़ा बेइज्जती फील होगा कि कम से कम इतना सारा इतने दिन से क्लास कर रहे हैं, इतने दिनों से सीख रहे हैं और टाइपिंग का लेसन तक पता नहीं है। तो आपको तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, पता चलेगा कहीं पे कोई अगर पूछ दिया आप नहीं बता पाए तो जाहिर सी बात है कि आपको वहां पे खराब लगेगा। इसलिए आप सभी इसको तीनों लेसन को रट लीजिए, तीनों लेसन को कॉपी में आप सभी क्या चीज करें इसको नोट डाउन कर लीजिए। इससे पहले वाले वीडियो में हम सभी देखे थे कि इंग्लिश टाइपिंग के लेसन को कैसे टाइप करते हैं, तो आइए आज हम सभी देखते हैं प्रैक्टिकल में कि हिंदी टाइपिंग के जो तीनों लेसन है उसको कैसे हम सभी टाइप करेंगे। तो सबसे पहले हम सभी देखते हैं कि पेंटब्रश को कैसे हम लोग ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद किस तरह से इंग्लिश टाइपिंग को देखेंगे, एक एक लेसन को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट लेसन को पहले टाइप करेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप, चूंकि देखिए इंग्लिश टाइपिंग का तो चलिए ठीक है, लेकिन हिंदी टाइपिंग का जो लेसन आपका है तो उसको जब आप टाइप करने लगिएगा तो इंग्लिश टाइपिंग के लिए तो आपका कीबोर्ड में ही सिंपल वर्ड में आपको एबीसीडी सब दिखता है, लेकिन जब हिंदी टाइपिंग जब करने लगिएगा तो उसमें आपको फॉन्ट चेंज करना पड़ता है, जिसमें आपको जैसे मान लीजिए क ख ग घ अगर लिखना है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुर्तिदेव 010 यूज करना पड़ता है फॉन्ट। तभी हम लोग कुर्तिदेव 010 कैसे लाते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे, और कैसे हम सभी टाइप करेंगे हिंदी टाइपिंग को उसको भी देखेंगे। तो आइए हम सभी देखते हैं प्रैक्टिकल। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम सभी नोटपैड ओपन करते हैं, और मैं आप सबको इससे पहले वाले वीडियो में भी बता दिया हूं कि कैसे आप सभी नोटपैड को ओपन करेंगे, लेकिन हम सभी फिर से एक बार देखते हैं कि कैसे ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए शॉर्टकट एक मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताते आ रहा हूं आप सभी को, जो क्या यूज करते हैं हम लोग, विंडोज प्लस आर ना, कि विंडोज प्लस आर करने के बाद हम लोग का क्या ओपन होता है, रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। जब रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इसमें हम सभी क्या टाइप कर लेंगे, नोट पैड, लिखिएगा NOTPAD नोट पैड। अब इतना करने के बाद हम लोग इसको कर लेंगे ओके, अब यहां से कर लीजिएगा इसको मैक्सिमाइज। देखिए इसमें चूंकि देखिए मैं आपको बताया हूं कि इसमें पांच मेनू होते हैं, फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू और हेल्प। तो अभी हम लोग अभी क्या चीज कर रहे हैं, चूंकि अभी टाइपिंग का भी हम लोग सीख रहे हैं कि इंग्लिश टाइपिंग कैसे करते हैं, हिंदी टाइपिंग कैसे करते हैं, और इसके बाद जब मैं नोटपैड में जब पार्ट वाइज जब वीडियो बनाऊंगा नोटपैड का तो उसमें मैं आपको फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू और हेल्प इसके जो भी कमांड यहाँ पे दिया हुआ है सारा का सारा मैं आपको कवर कराऊंगा। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं फिलहाल कि कैसे आज हम सभी हिंदी टाइपिंग करेंगे, जिसमें हिंदी टाइपिंग करने के लिए, चूंकि जैसे अगर इंग्लिश करना था तो ASDFG इस तरह से हम लोग टाइप करते थे ना, लेकिन अभी हम लोग क्या चीज करेंगे, जैसे अगर ऐसे ही अगर टाइप अगर करेंगे तब तो ये इंग्लिश वाला ही टाइप हो रहा है, तो इसी को हिंदी में टाइप करने के लिए हम लोग एक काम करेंगे। देखिए यहां से जब आएंगे आप फॉर्मेट मेनू में तो फॉर्मेट मेनू में आपको एक फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे फॉन्ट में क्लिक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे फॉन्ट में क्लिक करिएगा, फॉन्ट में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल आपको दिखेगा, इसको हम लोग क्या चीज करेंगे ड्रैग करके नीचे ले लाएंगे, और जो आपका जो कुर्ती जो 010 जो मिलेगा उसी को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ग न त जप 010 जो लिखा हुआ है ना, यही कुर्तिदेव 010 आपका है। देखिए ग न त जप इस तरह करके जो लिखा हुआ है आपका 010 यही क्या है आपका कुर्तिदेव 010, या फिर नहीं तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं इस तरह से KRU उसके बाद TI कुर्तिदेव। देखिए जैसे आप KRU TI जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे कुर्तिदेव 010 सेलेक्ट कर लेंगे। ये फॉन्ट कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सिस्टम में नहीं रहेगा तो हम लोग अलग से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है। अब इतना करने के बाद जो भी देखिए यहाँ पे, चूंकि फॉन्ट वाला जब देख ही रहे तो थोड़ा सा देख लीजिए, 011010 ले लीजिएगा, और यहां से करेंगे क्या, जो भी आपको साइज लेना पड़ेगा आप यहां से साइज ले लीजिएगा, चूंकि फॉन्ट का साइज हम लोग 72 तक लेते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया हूँ। यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग 36 का ले लेते हैं, यहाँ पे तो और भी थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, चूंकि ये प्रोजेक्टर है आप लोग को थोड़ा अच्छे से दिखेगा नहीं, इसलिए हम लोग क्या चीज करते हैं थोड़ा सा बड़ा साइज लेते हैं 48, और यहां से कर लेते हैं ओके। अब हम लोग ना टाइप करेंगे जिस तरह से हम लोग टाइप करते थे फर्स्ट लेसन, जैसे ASDFG स्पेस क्लोन LKGH स्पेस इंग्लिश टाइपिंग का, उसी तरह से हिंदी के लिए भी टाइप करेंगे सेम, जहां पे अंगुली रखते थे इंग्लिश टाइपिंग के लिए, हिंदी टाइपिंग के लिए भी हम लोग अंगुली वहीं पे रखेंगे। टाइप कैसे करेंगे, देखिए
ए को टाइप करेंगे तो क्या आएगा अंकस्वार, एस को टाइप करेंगे तो क्या आएगा एकर, चूंकि मैं आपको लेसन लिखा दिया हूं तो अंकस्वार एकर क हर्षी ह स्पेस य स अकार र दीर्घ स्पेस, फिर से टाइप कीजिएगा अंकस्वार एकर क हर्षी ह स्पेस य स अकार र दीर्घ स्पेस, अंकस्वार एकर क हर्षी ह स्पेस य स अकार र दीर्घ स्पेस। देखिए इसी तरह से आपको रट रट के आपको करना है, जितना बार करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर कर पाइएगा। तो अंकस्वार एकर क हर्षी ह स्पेस य स अकार र दीर्घ स्पेस, अंकस्वार एकर क हर्षी ह स्पेस य स अकार र दीर्घ स्पेस। इसी तरह से आप लोग को कम से कम 10 बार 20 बार दो तीन क्लास कम से कम आप लोग को इसी तरह से टाइम दे करके टाइप को आप कर लेना है आप लोग को। अब देखिए बात करते हैं सेकेंड लेसन करने के लिए, तो सेकेंड लेसन करने के लिए अंगुली को हम लोग कहां रखते हैं, फर्स्ट लेसन में रखते हैं ना, लेकिन टाइप कहां पे करते हैं ऊपर की ओर करते हैं। जैसे देखिए क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस, जैसे देखिए क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस आप इस तरह से करिएगा, उसके बाद च व प न ल स्पेस ऐसे। तो उसी तरह जैसे आप टाइप करते हैं क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस पी ओ आई यू वाई स्पेस इंग्लिश टाइपिंग के लिए, उसी तरह से टाइप उसी को करना है, लेकिन निकलेगा क्या हर्षु दुर्गु म त ज स्पेस च व प न ल स्पेस, हर्षु दुर्गु म त ज स्पेस च व प न ल स्पेस। और ये भी चीज ध्यान देना, ऐसा नहीं कि मान लीजिए हम लोग फर्स्ट लेसन में अंगुली को रखे हैं और जब टाइप करने के लिए ऊपर जाते हैं तो अंगुली को ऊपर ही नहीं रहने देना है, जैसे हर्षु दुर्गु म त ज जैसे यहां तक प्रेस करते हैं रिटर्न आपको फर्स्ट लेसन में अंगुली को ले लाना है ठीक, उसके बाद स्पेस लीजिएगा, उसके बाद क्या करना है च व प न ल, फिर उसके बाद बैक होकर फर्स्ट लेसन माना है तब जाके स्पेस लेना है। चलिए ये हो गया हम लोग का सेकंड लेसन, और उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड लेसन को, तो थर्ड लेसन को भी टाइप करना कोई बड़ा चीज नहीं है, थर्ड लेसन को आप लोग क्या कीजिएगा फर्स्ट लेसन में ही अंगुली को रखिएगा, लेकिन टाइप हम लोग कहां करेंगे नीचे को थर्ड लेसन में करेंगे। जैसे देखिए जेड एक्स सी वी बी स्पेस स्लैश फुल स्टॉप कॉमा एम एन स्पेस, ये तो इंग्लिश का था, लेकिन हिंदी के लिए जब करेंगे तो कुर्ती तो 010 आप लेके रखिएगा, तो टाइप क्या होगा र ग ब अ ई स्पेस ध न ए उ द स्पेस, र ग ब अ ई स्पेस ध न ए उ द स्पेस, उसके बाद र ग ब अ ई स्पेस ध न ए उ द स्पेस। इस तरह से आपको क्या चीज करना है कि तीनों लेसन के जो टाइपिंग हम लोग का हिंदी का है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आपको बता दिया कि फॉन्ट कहां से लेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और यहां से फॉन्ट, अब फॉन्ट में जाने के बाद यहां पे कुर्ती तो 010 ले लीजिएगा, जितना साइज लेना होगा साइज लेकर के ओके कर लीजिएगा, और यहां से तीनों लेसन को आप सभी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। तो आप लोग को कम से कम एक क्लास दो क्लास आप लोग को करना क्या है, एक घंटा दो घंटा जितना दिन आप लोग लग जाए, ताकि ऐसा आप लोग प्रैक्टिस करिए कि बिना आंख खोले यानी कि आंख बंद करके भी आप क्या चीज करें अंगुली से अगर टाइप करिए, अगर कोई बोलेगा कि क निकालिए तो आपका अंगुली डी में जाना चाहिए क निकालने के लिए। इसी तरह से आप लोग को तीनों लेसन को प्रैक्टिस कर लेना है। तो आज के लिए बस मैं आप लोग को इतना ही बताऊंगा कि किस तरह से आप सभी क्या चीज करेंगे कि नोट पैड में हिंदी टाइपिंग को कैसे तीनों लेसन को करिए। इसके बाद की वीडियो में हम सभी शुरू करेंगे नोट पैड को पार्ट वाइज, जिसमें हम सभी देखेंगे कि फाइल में सब कमांड का क्या यूज है, एडिट में सब जितना कट कॉपी पेस्ट सब जो दिया हुआ है कमांड इसका यूज कैसे करेंगे, और फॉर्मेट में तो फॉन्ट का तो बता ही दिए लेकिन फिर से इसको हम लोग देखेंगे अच्छे से, और व्यू में जो है व्यू का हेल्प कैसे व्यू का जो है हम लोग कैसे यूज करते हैं, हेल्प का यूज कैसे करते हैं, ये पांचों मेन्यू जो आपका दिया हुआ है इसमें जितने भी कमांड है इसको हम सभी नेक्स्ट वीडियो से यूट्यूब में पार्ट वाइज हम लोग क्या चीज करेंगे नोट पैड का जो पार्ट रहेगा लेसन उसमें हम सभी पार्ट वाइज इसको देख के कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी पहले कोशिश करें कि नोट पैड में जो इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग का जो लेसन है उसको बढ़िया से आप सभी इसको कंप्लीट कर ले। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही देखते हैं, अभी इसको हम लोग डोंट सेव करते हैं, मैं आपको जब इसको जब पार्ट वाइज जब बताने लगूंगा तो समय मैं इसको कैसे सेव इसको कैसे करते हैं वो भी मैं आप सबको कवर कराऊंगा। तो चलिए आज के लिए बस हम सभी इतना ही करते हैं, आप सभी वीडियो को इसी तरह से लगातार देखते रहे और दोस्तों को भी शेयर आप लोग कर दीजिएगा, क्योंकि इससे होगा क्या कि जो अगर मान लीजिए जो अगर क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो लोग जो ऑफलाइन तरीके से भी इसको, क्योंकि ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ना है, कहीं पे जाना है नहीं, ऑनलाइन अपना मोबाइल निकाले अपना पढ़ लिए कोई दिक्कत है नहीं, तो आप लोग अपना कम से कम दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग का लाभ अगर उठा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप सभी के जितने भी दोस्त होंगे या फिर जो फ्रेंड लोग हैं वो लोग को आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, तो शेयर कर दीजिएगा तो लोग भी देख के अपना कवर कर लेंगे सारा का सारा, स्टार्टिंग से देखेंगे वो लोग भी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आप सबों का दिन शुभ हो, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।